दो पाव, ये एक मिसल, थोड़ा सा तरी, ये है 70 rupees, दैट्स इट। आई कैन बेट हमसे ज्यादा कोई नहीं खा सकता, ठीक है। एसटी का पूरा मुंह लाल हो चुका है, इतना तीखा था। सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज आप लोगों ने पता कर लिया होगा कि ये वाला जो वीडियो है वो है फूड व्लॉग। बेसिकली आज जो फूड व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है एसटी मैजिक के साथ। आप लोगों ने मेरा पिछला कौन सा तो एक वीडियो देखा होगा जिसमें एसपी मैजिक है और उसके साथ मैंने कोलैबोरेशन भी बहुत सारे कर दिए हैं। तो ये वीडियो आप लोग एंजॉय करो, मैं ज़्यादा आप लोग को बोर नहीं करूँगा। तो अभी अपने पर अपने साथ सत्या आ चुका है यहाँ पे। सत्या गाड़ी देख के, सत्या सर व्हाट्स अप सर, मैजिक मैजिक सर, मैजिक करेंगे ना, मैजिक करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, मौज मस्ती। आओ पहले आओ। तो यार कितने सालों बाद मिल रहे अपन, सोचना पड़ेगा। हम लोग ऑलमोस्ट 4 से 5 व्लॉग्स के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब भी मिलते हैं तब हम लोग व्लॉग करते हैं, है कि नहीं। दो पाव खा लेगा? मैं खा लेगा भाई, मैं 4 भी खा लेगा, मेरा एपेटाइट भी अच्छा है। तो सीन ऐसा है, आप लोगों को पता है आज का जो व्लॉग है फूड व्लॉग है। और दूसरा चीज़, अपने को भी मिसल पाव बहुत पसंद है, सत्या को भी मिसल पाव बहुत पसंद है, तो खाना ही पसंद, फिर खाना ही पसंद है इसके लिए। और एक और चीज, आज लेग्स डे कैसे गए तेरे? बहुत ही मस्त, मतलब अव्वल 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 दर्जा। हाँ एकदम एकदम, मैं कुर्सी लेके जाऊंगा। आज सत्या का हाल ऐसा हो गया कि वो तशरीफ रखने के बाद उसे तशरीफ महसूस नहीं हो रही है। मेरे को भी खाने दे भाई, ठीक है, रिकॉर्ड करने दे जल्दी। तो रिकॉर्ड कर ना, कौन रोका है तुझे? तो मसल की यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, मेरे को यहाँ खाते खाते हो गए ऑलमोस्ट 6 साल। अच्छा। और मैं मतलब मेरा हफ्ते का फिक्स है, हर संडे मैं मिसल पाव खाता ही खाता हूँ यहाँ पे, लाइक श्रीनाथ फास्ट फूड कॉर्नर। यहाँ तो पहले मिसल पाव मिलता है, शाम को पाव भाजी मिलती है और तवा पुलाव, वन ऑफ द बेस्ट मिसल पाव इन विले पार्लर। ओम, जेन्युइन रिव्यू कैसा लग रहा है? जेन्युइन बोलू, जेन्युइन में मस्त, एकदम मस्त लग रहा है भाई। हाँ हाँ, तूप जो रहता है, तूप बेसिकली है, इसको लोग तरी भी बोलते हैं, तूप भी बोलते हैं और रोगन भी बोलते हैं। ये मिसल के टाइम पे जो मसाला होता है उसका ऑयल रहता है पूरा। एग्जैक्टली, लाइक तुम लोग को जो नॉर्मल मिसल मिलता है, अगर तुम्हें उसे और स्पाइसी करना है तो तुम लोग ये डाल सकते हो। यहाँ की एक स्पेशलिटी पता क्या है, तू मिसल पाव तो ले रहा है बट तू रसा जितना भी ले, मतलब उसल जितना लेने का उतना ले, यहाँ पे रसा पूरा फ्री है। और उससे बड़ी बात यह है कि रसा तो फ्री है ही, प्लस अगर तू एक्स्ट्रा फरसान लेता है, मतलब एक्स्ट्रा चूड़ा, तो वो भी फ्री है। जो पैसा है वो है सिर्फ पाव का, पेप्सी का, और जो हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर समोसा अगर लेते हैं बस। सो फ्री उसल कितने का? ये एक दो पाव, ये एक मिसल, थोड़ा सा तरी, ये है 70 rupees, दैट्स इट। बट 70 rupees में मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। बट द पॉइंट इज, हम लोग जो रेटिंग्स है वो हम लोग लास्ट में करेंगे हर जगह के खाने के बाद। तो हम लोग ये जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो अभी हम लोग आ चुके हैं परेश मिसल। बेसिकली परेश मिसल के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले के पहले। तो वो सामने वहाँ पे परेश मिसल है, बेसिकली वहाँ पे अभी हाल फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे एसपी वीडियो शूट कर रहा अपना। तो परेश मिसल के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम लोग क्या प्लान किए हैं कि मैंने अपने बाइक को डबल स्टैंड पे लगा दिया, हम लोग इस पे टेबल बना के इसी पे खाएंगे और डिस्टेंस मेंटेन करके सुखी हो के एकदम शांति से इधर ही बैठ के खाना है, ठीक है? एग्जैक्टली, टेंशन फ्री रहेगा, ज़्यादा लोग भी नहीं रहेंगे। हम दोनों ने वैक्सीन लगवा लिया है। आई कैन बेट कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं खा सकता, ठीक है। हाँ, हमारी कैपेसिटी बताओ क्या है आज की, मेरा है एक पाव, ओम का है एक पाव, इतना कोई खा सकता है तुम्हें लगता है? नहीं ना, शुरू करते हैं। और प्लस हम दोनों ने वैक्सीन लगवा लिया है। हाँ। तो हम लोग थोड़ा रह रहे, मतलब प्रिकॉशन ले रहे हैं, बट हम लोग को थोड़ा फ्रीनेस है, बट स्टिल आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए, बिकॉज वैक्सीन लेने के बाद इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये कोविड नहीं होगा, नहीं होगा भाई, चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट स्टिल 90% चांसेस रहते हैं कि नहीं होगा, 10% वाले में आप लोग को फिर भी रहना, डर बनाए रखिए। चलो, उबड़ खाबड़ रास्ता है,
आओ हम शगुन करें। आर सेकंड स्टॉप परेश मिसल पाव जस्ट फॉर 47 रुपीज़। आई होप ये टेस्ट में अच्छा हो, बिकॉज ये व्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, एसपी बोलेगा, क्योंकि एसपी एक बहुत ज़्यादा फूडी गुरु है। फूडी गुरु जी है अपना पिछले वाले व्लॉग में आप लोग ने देखा ट्रेकिंग गुरु जी को, अब है अपना फूडी गुरु। सेकंड स्टॉप इज परेश मिसल पाव। तो एसपी तेरे को मिसल कैसा लगा यहाँ पे 47 में? मेरे को तो मिसल बहुत अच्छा लगा। हाँ। पहली बार उसल अच्छा था। एक सेकंड, अभी एसपी का पूरा मुंह लाल हो चुका है, इतना तीखा था, लेकिन फिर भी बोलता है भाई तीखा नहीं है। मैं तुम लोगों को बता दो, देखो मेरे को स्पाइसी फूड पसंद है, मेरे को ज्यादा तीखा नहीं लगा अगर मैं सच्ची बोलूँ तो। अगर मेरे को तीखा लगता तो मैं पानी जाके पी लेता था, बट इतना स्पाइसी नहीं। मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे को बहुत ज्यादा तीखा लग गया। मैं भाई एक पाव कैसे खा मुझे मालूम अभी, मतलब मेरा कैपेसिटी इससे भी ज़्यादा है, लेकिन जब तीखा लगता है पेट अपने आप बोलता है भाई बस कर। कैपेसिटी ज़्यादा है, बट हम लोग तीन अलग अलग जगह का मिसल पाव खाने वाले हैं, हमारी सेकंड प्लेस थी। हाँ, थर्ड स्पॉट पे भी अभी हम जाएंगे, बट स्टिल 47 रुपीज़ में मिसल पाव वॉज गुड। तो यहाँ पे अपने साथ एक बहुत बुरा स्कैम हो गया, लाइक हम लोग सोचे थे मौज मस्ती वाला सीन होगा, दर्द भी होंगे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही दुख दर्द हो गया। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे एक हाउस ऑफ मिसल करके है जो नहीं आ पाया, मतलब बंद था, हम लोग को भी नहीं पता था कि ये बंद रहेगा कि नहीं। समझी बात है यार, दिल से बुरा लग रहा है, दिल से, बट स्टिल दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, बट स्टिल वी हैव अ गुड ऑप्शन मेरे पीछे, जैसे कि तुम देख सकते हो मोमोज का एक अच्छा खासा शॉप है। और यहाँ पे एसपी कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस्ड है, तो उसे पता है कि यार इधर वाला जो मोमोज है मस्त है। मैं भी एक्सपीरियंस हूँ मोमोज में, मेरे को भी पता है। एक टाइम पे हम लोग भी बताएंगे, एक जगह है बैंड्रा में जहाँ पे मोमोज एकदम स्वादिष्ट मिलते हैं, लाइक आउटलेट नहीं है किसी का भी, ना महंगा मिलता है वहाँ पे, लेकिन आप एक बार जाके टेस्ट करोगे वहाँ पे तो भाई बोलोगे स्वाद आ गया भाई, स्वाद आ गया। एग्जैक्टली, बट स्टिल मोमोज तो यहाँ के अच्छे हैं ही। तो लोगों को इतना तो मालूम है ही कि हम लोग फूड ब्लॉग के लिए पूरा प्रिपरेशन करके रखे थे, और एक में बस एक यही चीज़ के वजह से एक थोड़ा सा प्लान थोड़ा भूचाल आ गया प्लान में, ठीक है, बट स्टिल रेटिंग तुम्हें लास्ट में ही मिलेगी जब हम डेजर्ट खाएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि हम मोमोज की भी रेटिंग दे ही देंगे, मतलब मैंने तो टेस्ट किया हुआ है, बट स्टिल ओम के रिव्यूज लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई व्लॉग तो अपना ही है। सो गाइज, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में दो व्लॉग्स डालने के लिए, बेसिकली एक जो व्लॉग होगा वो होगा ट्रैवलिंग के ऊपर जो आप सबको पसंद है, और दूसरा जो होगा वो होगा बेसिकली फूड व्लॉग या फिर चैलेंज व्लॉग, कोई भी व्लॉग हो सकता है, वो आप लोग के ऊपर होगा कि आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा व्लॉग मुझे सेकंड वाला डालना चाहिए। बाकी तो ट्रैवलिंग वाला मैं अपने हिसाब से जोखिम उठा के थोड़ा पता कर लूँगा कौन से लोकेशन पर जाना है कौन से लोकेशन पर नहीं जाना है। और अपने साथ अभी एसपी आ चुका है मोमोज लेके, मोमोज दिखने में तो एकदम स्वादिष्ट लग रहे एसपी खाने। देख भाई, अगर मेरे को ज्यादा पसंद आ गया और मैं 6 का 6 खा गया तो डेजर्ट ओम की तरफ से नहीं भाई। अच्छा। फिर ये मत बोलना कि ओम तू दगाबाज निकला, तू 3 खाने वाला था तो 6 खा गया। एक दे देना मेरे को बस टेस्ट करने के लिए। चलो आओ फिर खाते। चलो मैं खाता हूँ और आप लोगों को फिर मिलता हूँ, और आप प्लीज मुझे बताओ कि मुझे ऐसे व्लॉग्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि कैसा है मुझे आप लोग का सपोर्ट पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोग किस टाइप के वीडियोस ज़्यादा पसंद करते हो देखने में, और मैं ट्राई करूँगा कि और क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। अभी तो मतलब फ़ोन से ही वीडियो शुरू हो रहा है, थोड़े टाइम बाद कैमरा पे शिफ्ट हो जाए, क्या भरोसा। चलो चलते हैं अभी खाते हैं, ठीक है एसपी। चलो ख़त्म कर दूंगा, स्लो मोशन शॉट मत ले अब। तो अभी हम लोग आए थे पंजाब सिंध, जो यहाँ पे जुहू में लोकेटेड है, बहुत फेमस एरिया है ये, और अभी हम पी रहे हैं मैंगो लस्सी। मौज है यार ये लस्सी, मेरे को यूजुअली रेगुलर लस्सी नहीं पसंद है, लेकिन जो मैंगो लस्सी होती है वो स्वाद है यार। सो अभी हम लोग ने फिलहाल रेटिंग दे चुकी है, श्रीनाथ वाला था वो बेस्ट था, वहाँ पे जाओ खा के देखो, ऐसा नहीं है कि पेड प्रमोशन है या कुछ नहीं, हाँ फ्री में भी नहीं, जेन्युइन रिव्यू था, और भाई जाके देखो, आप लोग खाओगे तो भाई उंगली चाटते रह जाओगे। रेटिंग कुछ ऐसी है, जो श्रीनाथ फूड कॉर्नर है उसको मिलता है 10 out of 10। एग्जैक्टली, और जो परेश मिसल पाव है उसको मिलता है 7 out of 10। 7 out of 10। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, दैट वॉज इट फॉर द टूडेज वीडियो, और अगर पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो, क्योंकि मैं अभी हफ्ते में 2 वीडियोज डालने वाला हूँ, धीरे धीरे 7 के 7 पड़ेगी, अभी समझ लो 7 दिन है, 7-7 दिन वीडियो आएंगे, पता नहीं किसी दिन होगा वो भी। आप लोग थोड़ा अपना जो कंटेंट है वाइडर करते जाओ, हेल्प करते जाओ, हमें करते जाएंगे, हम लोग करते जाएंगे।
तब तक के लिए सब अगर बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।